भारतीय टीम ने टेस्ट सीरीज में श्रीलंका को हराया, लेकिन वनडे सीरीज के पहले ही मैच में टीम इंडिया को करारी शिकस्त का सामना करना पड़ा है। भारतीय टीम की हार से निराश कप्तान रोहित शर्मा ने बल्लेबाजी को दोषी मानते हुए पूर्व कप्तान महेंद्र सिंह धोनी की पारी और खेल की जमकर तारीफ की है। रोहित शर्मा ने कहा कि धोनी जानते हैं कि इस तरह की परिस्थितियों में किस प्रकार बल्लेबाजी की जाती है और हमेशा की तरह उन्होंने धर्मशाला वनडे में भी ऐसा किया। रोहित ने आगे कहा कि धोनी की पारी इतना प्रभाव डालने वाली थी कि कोई उनके साथ क्रीज पर रुकता तो निश्चित रूप से कुछ अलग नजर आता। इसके अलावा भारतीय कप्तान ने कहा कि हमें अपने खेल को समझने की जरूरत है क्योंकि हमेशा सपाट विकेट नहीं मिलती। धर्मशाला की विकेट पर हम काफी कुछ सीख सकते थे। हमें एक टीम के रूप में एकजुट होकर अच्छा खेल दिखाने की जरूरत है। इसके अलावा रोहित ने खुद की कप्तानी में पहला मैच हारने पर कहा कि यह किसी को भी अच्छा नहीं लगता कि हम हार जाएं, लेकिन हमें ऐसी स्थितियों से निपटना सीखना होगा। रोहित शर्मा ने बल्लेबाजों के प्रदर्शन पर निराशा जताई और महेंद्र सिंह धोनी की तारीफ करते हुए उनके अनुभव को शानदार बताते हुए कहा कि ऐसी विकट परिस्थितियों में उन्होंने हमेशा बल्लेबाजी करते हुए टीम को संकट से निकाला है, लेकिन इस बार उनके साथ क्रीज पर कोई अन्य खिलाड़ी नहीं टिक सका, अन्यथा कुछ और भी देखने को मिल सकता था। गौरतलब है कि धर्मशाला में श्रीलंका के खिलाफ तेज गेंदबाजों के लिए मददगार पिच पर भारतीय बल्लेबाज एक के बाद एक कर आउट होते रहे और पूरी टीम 112 रन के मामूली स्कोर पर आउट हो गई। श्रीलंका ने न केवल जीत दर्ज की बल्कि 3 मैचों की सीरीज में 1-0 सेकंड बढ़त भी बनाई।